पंचोर है, चोर है, चोर है पंचोर है, चोर है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। जैसा कि जो शोर है आप सब सुन सक रहे हैं, आज के दिन पान अरुणाचल ज्वाइन स्टीयरिंग कमेटी एपीपीएससी पेपर लीकेज जो लेकर एक कमेटी बनाया गया था, जितने भी एसपीएन के द्वारा और साथ ही साथ इन कोलैबोरेशन विद ऑल स्टूडेंट यूनियन एंड आपसु के द्वारा एक मास रेफरेंडम रैली ऑर्गेनाइज किया गया था डीएनजीसी ग्राउंड से लेकर आईजी पार्क तक। और मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि दिखाएं यहां पे अभी तक अरुणाचल प्रदेश का स्टेज का कह सकते हैं मास पीसफुल रैली। अगर देखा जाए तो अराउंड 10,000 के तादाद में लोग आए हैं। और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे सिर्फ जो एस्पिरेंट है वही नहीं आए, पेरेंट्स आए, छोटे छोटे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वही आए, और साथ ही साथ जितने भी क्लाइंट बेस्ड सोसाइटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रहता है उनके मेंबर्स आए हैं, और जितने भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, मतलब इस बार अगर हम देखें यहाँ पे जितने भी जो लोग आए हैं वो वॉलंटियरली आए हैं, उनके तरफ से जिस अपील रखा गया था, और जो ये फियास्को है मैं बताना चाहूंगी जो एपीपीएससी पेपर लीकेज को लेकर जो चल रहा है एसआईसी के द्वारा कल के दिन पे जो प्रेस रिलीज के द्वारा जो बताया गया, इन टोटल एसआईसी के द्वारा अभी तक टोटल 25 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और मैं अभी यहाँ देख सकते हैं कई लोग आए हैं, और मैं बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी जो स्टूडेंट कमेटी उनके तरफ से अनाउंस किया गया 13 पॉइंट डिमांड्स जो गवर्नमेंट के आगे में उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा का, साथ ही साथ जितने भी एस्पिरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट उनके तरफ से भी उन्होंने जो डिमांड्स उन्होंने रखा था, साथ ही साथ आंसू के द्वारा से रखा था। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कैमरा पर्सन से कि थोड़े वो आए यहाँ पे, इन ऑल ओवरऑल उन्होंने बड़े शब्दों में भी यहाँ लिखा गया है जो यहाँ पे चारों डिमांड उनके तरफ से रखा गया है यहाँ पे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कई सोशल एक्टिविस्ट आए हैं, और साथ ही साथ जितने भी इवन लाइक इंटेलेक्चुअल जो गवर्नमेंट बाय प्रोफेशन वो जॉब करते हैं, बट एज अ पेरेंट्स एज अ फॉर द फ्यूचर ऑफ उनका जो कमिंग जनरेशन को लेकर वो आए हैं यहाँ आप देख सकते हैं। और अभी जैसे ऑलरेडी यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं जो लोग सपोर्ट करने के लिए आए उनके तरफ से स्पीच शुरू हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कई लोग आए हैं तो हम ऑलरेडी उनका डिमांड हमें पता है, लेकिन हम पर्सनल व्यू जानेंगे यहाँ के जो भी यहाँ पे रैली में ज्वाइन किया उनका भी पर्सनल व्यू जानेंगे फियास्को को लेकर, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी 2014 को हुआ था, 2017 को हुआ था, इस बार 2022 को हुआ, उसमें इस बार का टोटल इन टोटल सीबीआई का भी अगर बात करें और एसआईसी का बात करें टोटल 30+ लोगों को अरेस्ट किया गया ये फियास्को को लेकर, पेपर लीकर्स को लेकर। तो चलिए हम पर्सनली सबसे जानेंगे एग्जैक्टली उनका पर्सनल व्यू रहेगा, उनको क्या कहना रहेगा एसआईसी से, सीबीआई से या फिर गवर्नमेंट से। चलिए तो अभी हमारे साथ नानीबाज सर जी है, और मैं बताना चाहूंगी जो लोग नहीं जानते हैं सर को, सर उन्हीं में से लोग हैं जो जिन्होंने 2014 का एपीपीएससी फियास्को में, साथ ही साथ 2017 का जो फियास्को हुआ था उन्होंने वॉलंटियरली अगर उन्हें साथ दिया, कई बार उनके तरफ से स्टेटमेंट गया है, आज के दिन भी मास जब रेफरेंडम रैली हुआ है तो वो वॉलंटियरली आए हैं उनके साथियों के साथ में। तो सर से हम जानेंगे कि सर को क्या कहना है, क्योंकि सर ने ऑलरेडी जो पास का जो फियास्को उन्होंने देखा है, विटनेस किया, उनका क्या रहेगा जो बिगेस्ट फियास्को अभी जो चल रहा है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल, आपसे हम जानना चाहेंगे आपका राय, क्योंकि आप वेल एक्सपीरियंस हो चुके हैं सर इसको लेकर, आपका क्या राय है, किस तरीके से ये चीज को आप देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अरुणाचल टुडे थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, not only personal experience but also personal view on the FPCS PSCO. It has become a scandal now. Today I came here not as an activist or as a professor of political science but as a parent who is concerning about the future of the youngsters. And on behalf of the parents, not only on behalf of the parents of Arunachal, on behalf of the people of Arunachal Pradesh, I would like to thank Mr. Gyamar Padang, because of him we see the revolution today. And we see the sea of people today, and this is a signal of a revolution that is going to happen, if not today, tomorrow. I am also thankful to all NIS Student Union, Mr. Navam Dodam, all Arunachal Pradesh Student Union, Mr. Tana Doji Tara, who is leading this movement. I am also thankful on behalf of the people of Arunachal Pradesh to the aspirants like Mr. Techi Poru and also Takap Nalo, because of whom this
नहीं है, ये लड़ाई मूवमेंट इज बिकमिंग वेरी वेरी सक्सेसफुल लड़ाई नहीं है। Now, when it comes to the PESCO of FECS, this is not happening for the first time. You know, I know, everybody knows this. This has happened in 2012, this had happened in 2014, also this had happened in 2017. And they, we intervene. And this is also the significance of the people, that the elders like us, who are entering into such kind of movement. Significance of we being there is the fact that, you know, there has not been violence, any kind of violence. You know, 2012 there was a violence, and after we entered in 2014 there was no violence. 2017 happened without any violence. Therefore, I request the aspirants and the people who are associated with this movement to maintain peace and decorum, and also, I'd request them to maintain as we maintain peace as we maintain in 2014 and 2017. Now, let us come to a main point. As all of you know, aap janta, main bhi janta hoon, and every Arunachali knows that this kind of, you know, malpractices was happening inside the premises of Arunachal Pradesh Public Service Commission. But the thing that we didn't know, aap bhi malum nahi tha, main bhi malum nahi tha, is that degree and intensity of the PESCO, intensity of the scandal that was happening within the premises of the Arunachal Pradesh Public Service Commission. Now, having seen the dignity, degree and magnitude of the scandal that is happening within the commission, I have an impression that, you know, Taket Jainam cannot be alone in this kind of, you know, scandal. There has to be something above him. And therefore, I have a question to the Chief Minister, Mr. Pema Khandu, that aapko, apna aapko, there is a time, this is a good time for the introspection, that any pet projects, including that of Arunachal Pradesh SSB, APSSB, was created by him. When it was created, I was extremely happy and I considered him to be only next to God. But that has failed, and that led to the arrest and termination of Mr. Captain Ringu. And also, he was talking about the reformation of Arunachal Pradesh Public Service Commission. And they also, you know, I was extremely happy with the endeavor he was making to cleanse the system. But the question today the people of Arunachal Pradesh is asking is that why all the pet projects of Mr. Pema Khandu, Honorable Chief Minister, is failing. He has to introspect, not only introspect, he has to re-introspect on this. Third point is that, you know, on 13th of October this year only, a complaint was lodged against Mr. Pai Gadi. Everybody knows him, social activist, my friend too. And on 17th of October, he was summoned. In the SIT में केस कब जाता है, जब नॉर्मल पुलिस स्टेशन सॉल्व नहीं कर पाता तब SIT में जाता है, बट द अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनेटली मिस्टर पाई गाड़ी वाज सेवन विद इन 3 days ऑफ द कंप्लेंट सबमिटेड फॉर शेयरिंग ए फेसबुक पोस्ट. And they, you know, I had a question to the Mr. SP, then SIT SP also, that how did you call Mr. Pai Gandhi within that two, within very short period of 3 days? The question now is that Mr. Pai Gandhi could be called within 3 days of the complaint submitted by an unknown person, maybe very, very, you know, ordinary person, but many of the FIRs have been piled against Mr. Nippon Nabum and his team, and it's been days now, it's been months now, but no arrest has been made, no summon has been made, and no integration has been made. Therefore, this is a question to the people of to the government of Arunachal Pradesh, not only to the government of Arunachal Pradesh, but also to the CBOs, that until and unless after this big rally, this, as I said, the revolution, if Mr. Nippon Nabum is not arrested, we will have an impression, everybody will have impression that he is being protected not only by the political, high political bosses. It could be Mr. Chief Minister Pema Khandu himself, or it could be Mr. Kiran Rijiju, Honorable Minister, it could be Mr. Tapir Gaon, Mr. Honorable MP, and also we need to I have a feeling, and on behalf of the people of Arunachal Pradesh, I would also like to request
the NES, Nisi Elite Society, to help in arrest of not only Mr. Nippon Abum, but also all those who have been filed FIRs. And finally, I would like to appeal all the aspirants to maintain decorum and maintain peace as we did in 2014, also we did in 2017. Thank you. Thank you so much for sharing your views with us, and I hope कि जो भी जनता देख रहे हैं, especially aspirants, जो कई लोग आपको मानते हैं, वो जो आपके बाद रखा गया है, वो मानेंगे इस चीज को. Thank you so much. Thank you. यहाँ तो ऐसे है, हम लोग फर्स्ट से ग्यामर पादक और हम दोनों फर्स्ट से, हम लोग का तो स्ट्रॉन्ग एक माइंड में था कि एपीपीएससी में तो हुआ है, पेपर लीकेज हुआ है, कन्विक्शन था हम लोग का साथ में. लेकिन हम लोग का ऐसे है कि यहाँ पे पेरेंट्स का, एस्पिरेंट दोस्त का कभी विश्वास ही नहीं था कि ऐसे पेपर लीकेज इशू हो सकता है. फर्स्ट में तो इतना नहीं था, लेकिन जिस वजह से अभी देखो एक का बाद आया है. देखो ये पब्लिक सेंटिमेंट है, जो जितना भी एस्पिरेंट डिप्राइव है उसका सेंटिमेंट. ये लोग भी देखिए सब अभी विश्वास है कि एपीपीएससी को मिस उसमें पेपर लीकेज होते रहा है, होते आया. और कल को भी अगर हम लोग ये सिस्टम को भी ठीक नहीं करने से सेंचुरी में भी ये होते ही रहेगा. तो अभी ओवरऑल 30+ अभी अरेस्ट हो चुका है ये पेपर लीकेज को लेकर, कमीशन को लेकर. तो जो प्रोसेस चल रहा है उसका डिससेटिस्फेक्शन होकर आप लोगों की तरफ से 13 पॉइंट मेमोरेंडम रखा गया है. इसके आज पीसफुल रेल में कई लोग, उसके बाद आपका क्या रहे, कहना रहेगा? नहीं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए दो प्रकार है. जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है. और एक तरफ से आप देखना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे जो पियास्को का साथ पे जुड़ा हुआ है, वो ऑफिसर को तो गवर्नमेंट से भी इन तो टेंडमली आप भी एक्शन लेके जाना पड़ेगा ना. आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को डिपेंड करेगा और उसके एक साल के बाद हम वो करेगा, उसको टर्मिनेशन करेगा बोलने से नहीं होगा. अभी आप शुरू कर दीजिए ना उसको, आप जो टर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसको आप शुरू कर दीजिए. 3 महीना हो गया उसका, अभी तक स्टेटस रिपोर्ट कहाँ है कि नहीं? और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भी हम वही बोलता है कि आप लोग 3 महीना हो गया SIC का भी, ठीक है, यही पेपर का ये जो ले लिया CBI ले लिया, CBI को भी हम क्वेश्चन पूछता है कि नाबुम नेपो को अभी तक क्यों नहीं पकड़ सक रहा है, ताकि जेरंग का ऊपर आप लीड कैसे नहीं मिला, वो भी 3 महीना. हम लोग देखिए ये इशू में ऐसे नहीं कि हम लोग फर्स्ट में बोल दिया कि नाबुम नेपो को अरेस्ट करना है. हम लोग इंटेलेक्चुअल है, पता चलता है कि गवर्नमेंट किस वजह से चलता है. लेकिन अभी 3 महीना में क्या ये हम लोग का जायज बात नहीं है क्या कि नेपो को अरेस्ट कर लेना है? और ताकि जेरंग का जितना भी ऑफिसर या जितना भी पर्सनल जो पर्सन इन्वॉल्व है उसको अभी तक अरेस्ट नहीं करना है, ये हम लोग का दिमाग में क्या गलत है क्या? क्या कहना होगा कि जैसे मैंने कहा कि अभी तो आप लोग पीसफुल रैली कई बार करा चुका है ना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में गए, इस बार तो मार्च में हुआ है, इसके बाद में क्या रहेगा? क्योंकि ऑलरेडी अंशु की तरफ से भी प्रेशराइज किया जा रहा था, इसके बाद तो अभी ऐसे है. देखो यहाँ पे ऐसे हो सकता है, यहाँ पे जो पेपर खरीदता है वो गरीब आदमी नहीं खरीदता है. जो आदमी 50 लाख इकट्ठा कर सकता है, 1 करोड़ इकट्ठा कर है, वो देखिए हाईली इन्फ्लुएंशियल वाला आदमी होगा. तो इसलिए तो हम लोग का ये शक है कि ऐसे तो नहीं कोई CBOs लोग रुका रहा हो, ऐसे तो नहीं कि गवर्नमेंट से कोई रुका रहा हो, रुकावट कर रहा हो, ऐसे भी तूने स्टूडेंट यूनियन से भी कोई रुका रहा है कि नहीं? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि SIC को CBI को आप लोग को विश्वास करता है, आप लोग किसी भी प्रेशर में आता है हम लोग को भी बताइए है कि नहीं? जब आप हम लोग को सबूत पूछ सकता है आप भी बताइए ना कि आपको भी जहाँ प्रेशर आता है हम लोग को बताइए. इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग प्रेशर में मत कीजिए, हम लोग आप लोग का साथ में है, अंशु को भी अपशु को भी. इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ाइए है कि नहीं? क्योंकि हम अगर यहाँ पे ऐसे होता है कि एक दो लड़का इंडिविजुअल शुरुआत करने से उसको आपको एक सेक्शन में घुसा देगा, पत्थर तोड़ने देगा, इनडायरेक्टली लगाएगा, घुसा वो करेगा, जेल में डालेगा, तो हम लोग का आवाज़ दब जाता है. इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अपशु अंशु को जितना भी धरना प्रोटेस्ट करना है आप कीजिए, मूवमेंट हम लोग करेगा, जितना भी एक्सपीरियंस है हम लोग वो करें. इसलिए अभी हम बोला है अंशु प्रेसिडेंट को क्या आज का ये रेफरेंडम रैली है ये दिखावा है ना क्या है कि नहीं? हम लोग तो फिर गवर्नमेंट से आगे नहीं जा सकता है. अभी अंशु किस वजह से कराएगा वो देखा जाएगा, लेकिन आंसू भी यहाँ पे नहीं करता है बोले से, लेकिन हम लोग भी तो शुरू करना पड़ेगा ना.
अभी एसआईसी का भी जैसे आपने बताया एसआईसी सीबीआई को आप लोग भरोसा कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग एसआईसी का जो एसपी उनसे इंटरव्यू लेते हैं उनका कहना रहता है कि एक प्रोसीजर रहता है तो थोड़ा बहुत समय लगता है, तो जो इमीडिएट रिजल्ट कम आउट के लिए जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको नहीं लगता है कि भी हम उसको मानता है वो प्रोसीजर जब अदरक एदिक वाला को ढूंढता है तो प्रोसीजर कहाँ गायब हो जाता है, बंग वाला को आप बंग पकड़ने वाला को आप ढूंढता है वो प्रोसीजर उसमें कहाँ गायब हो जाता है कि नहीं, प्रोसीजर सब में सेम होना है। जब रेप एक्यूज को कोई लड़की लोग बोलेगा कि अननेसेसरी हमको रेप कर दे उसमें आप प्रोसीजर का कहाँ गायब, लेकिन इस इशू में आप प्रोसीजर का क्यों ज्यादा बात करा है, जिस वजह से किया है 2014 में हुआ उस समय भी तो आप लोग प्रोसीजर किया था ना, उसमें क्या रिजल्ट आया, जीरो कल्प्रित। 17 में भी तो आप प्रोसीजर लेप्सेस किया था उसमें क्या हुआ, जीरो कल्प्रित। अभी मिनोती बोरंग आया कि नहीं आया, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को प्रोसीजर को इतना भाषण मत नहीं देना ऐसा ऐसे लोग भी, हम लोग पता है आप लोग भी किसका अंदर पे है कि नहीं, कल को ऐसे नौबत आने नहीं देना है कि आप लोग को भी हम लोग कटकरे में करा करे। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जिस वजह से नाबुम निप्पो ने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ है, प्रोसीजर लेप्सेस किया है, आप उसको कीजिए ना। आज तब तो एसआईसी से आप बोलिए, सीबीआई से बोलिए कि नाबुम निप्पो को हम लोग इसका वजह से अरेस्ट नहीं कर पा रहा है, बता के देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना। जब जिमी चिरम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम ले सकता है, आप प्रेस स्टेटमेंट शुरू क्यों दे रहा है, आप प्रेस से बचने की कोशिश क्यों कर रहा है, आप लोग भी जो हम तो बोलते हैं प्रेस वाला लोग से अरुणाचल प्रेस क्लब लोग भी एसआईसी को बाहर बुलाना है, उसका रूम रूम में जाके आप लोग क्यों करेगा, जब जिमी चिरम को आप लोग ऐसे कर सकते हैं एसआईसी को बाहर बुलाइए, अरुणाचल प्रेस क्लब में आइए, हम लोग को भी क्वेश्चन करने दीजिए। देखिए ऐसे नहीं होगा, आप रूम से निकल चूहा का जैसा निकल निकल के आज इसको अरेस्ट किया कल इसको अरेस्ट किया बोल के सप्ताह सप्ताह में बोलने से हम लोग मानेगा नहीं। इसलिए अभी अंशु को हम लोग जितना भी एक्सपीरियंस का सेंटीमेंट हम लोग वही बोला है कि नेक्स्ट टाइम में प्रेस ब्रीफिंग ऐसे देने मत दीजिए, प्रेस रिलीज ऐसे देने मत, ताकि जिरम का ऊपर पकड़िए तभी हम लोग को बताइए। इन्वेस्टिगेशन में जहाँ तक बात जब आपसे क्वेश्चन करते हैं अभी रिवील क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन एसआईसी का कहना ये है कि वो तो ऐसा वल्नरेबल स्टेज में होता है, आप अभी रिवील कर देंगे तो आपका जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो आपने जो डिमांड कर रहा है आज ही होना है कल ही होना है, तो डू यू हैव एनी इंक्रीमिनेटिंग एविडेंस अगेंस्ट निप्पो नाबुम, क्योंकि कुछ तो होता होगा ना जो आप तक उसको इंट्रोगेट भी नहीं कर पा रहे। इसलिए तो हम बोल रहे हैं आप जो जो सवाल पूछा है इसको हम ही आपको पूछता है, आप लोग जाके पूछे ना क्या चीज है कि आप रिवील नहीं कर सकते बताइए। जब अजमल कसाब को मीडिया में भी पुलिस लोग ब्रीफिंग दे सकता है, नाबुम निप्पो का क्या बड़ा चीज है, वो क्या नहीं दे सकता है, क्या है ये बड़ा इशू है, अजमल कसाब से बड़ा इशू है क्या? अभी भी आप देखा होगा उसमें दिल्ली में एक लड़की का मर्डर हुआ, उसको भी आप नर्को तेज कर सकते, आप कीजिए ना, यहाँ पे क्यों रुका है, वो बहाना नहीं करना है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग एसआईसी को पूछिए क्या चीज है रिवील नहीं, अरे हम लोग को मत आओ बोलता है इंक्रीमिनेटिंग ये एविडेंस को वो करेगा चोर लोग जान जाएगा, तब तो चोर लोग अरेस्ट नहीं करने से पहले वो लोग कैसे बेल ले रहा है बताइए, एसआईसी लोग उसको कौन कवर देता है आपको आज अरेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि उसका नाम से तो हम लोग एफआईआर नहीं दिया था ना, है कि नहीं, किसको अरेस्ट करने जा रहे, एसआईसी ही मालूम है, अभी एसआईसी बताना पड़ेगा आप जिसको अरेस्ट करने जा रहा है वो कैसे पहले भाग जाता है बताइए, एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिले लिया, उसका केस नंबर को कैसे मालूम है बताइए, आप लोग किसी को बचाने जा रहा है। ये इंटायर एपिसोड में पॉइंट ऑफ कंटेंशन नाबुम निप्पो रहा जो चेयरमैन उसका खिलाफ उसका कुछ ऐसा आप लोग का बस लीक्स है जो जिसको आपको लगता है कि एसआईसी या सीबीआई ओवरलुक कर रहा है। यस देखो यहाँ पे ऐसे है जब आदमी चोरी करता है ना कुछ तो सुराग चोर के जाता है, इसलिए हम बोल रहे हैं अभी आप जैसे बोला हम लोग को सबूत दे, एसआईसी भी बोलते हैं हम लोग को सबूत दो, तब तो आपका धर्मा को हम लोग को दे दो, हमको एसआईसी का हेड बना के देखो, हम चैलेंज करता है एक महीना में निप्पो को हम नहीं पकड़ेगा तो मेरा धर्म कट दो, ये मजाक का बात नहीं है, जब हम लोग सबूत नहीं बोल के तो आप लोग को वो कर रहे हैं ना कि इन्वेस्टिगेट करो बोल रहा है, तो पुलिस का क्या काम है बताइए, नाबुम निप्पो का मैंने अरेस्ट अभी नहीं कर, आप बताइए ना कि नाबुम निप्पो का लीड नहीं मिला तभी हम लोग भी अपना पक्ष रखेगा है कि नहीं, क्योंकि आपको भी तो उतना हम 100% भरोसा नहीं कर सकते, जब ग्यामर पादंग और तचीब पुरु को एक्सपीरियंस का बीच से 100% गलत नहीं अरे भरोसा नहीं कर सकता है आपको भी हम क्यों करेगा, सब सबूत को अभी हम लोग क्यों देगा, क्या सब सबूत को आप लोग वो करके क्या खाना पकाएगा, इसलिए हम बोलता है पर से हम बोला है आप लोग इन्वेस्टिगेशन कीजिए केस को बंद करके देखिए हम लोग शुरुआत करेंगे। बार बार बारामस्ती का बात कर रहे हैं वो एसआईसी से पूछिए ना, 3 महीना में अभी तक तके जरंग का ही नीचे में आप क्यों अरेस्ट कर, उसका ऊपर 3 महीना तक सुनिए
हम लोग पस में कभी नहीं बोलना है कि एक दिन में पकड़ना है, एक सप्ताह में पकड़ना है। अभी तीन महीना हो गया वो बोलने से बोलता है ताकि जरा मुख नहीं खोल रहा है बोलता है। आप उसको नार्कोटिक्स कीजिए ना, और नार्कोटिक्स टेस्ट कीजिए, पॉलीग्राफ टेस्ट कीजिए, है कि नहीं। या तो ताकि जयराम को उसका फैमिली से मिलवाइए, या वीडियो कॉन्फ्रेंस है, आप जो इंटरव्यू क्या था, आप जो उसको वो करता है क्या था, उसको आप इंट्रोगेट करता है, उस समय वीडियो क्लिक्स आप बनाइए, हम लोग देखिएगा आप क्या पूछता है, ताकि जयराम क्या आप दोनों अंदर में क्या गुपचुप बात करता है, वो उसको हम सुनने वाला नहीं है ना। देखिए ये जो इशू है ये हम लोग का अकेला के लिए नहीं है, इसीलिए और पार्टिसिपेशन जो है देख के बहुत खुश हुआ, क्योंकि इससे पता चलता है कि दे ऑल आर इक्वली, लाइक वो लोग को भी इक्वल राइट्स चाहिए, वो लोग को भी पता है इनजस्टिस जो हुआ है इन एनी वेज, लाइक कोई भी वे में हुआ इनजस्टिस तो हुआ है। तो ये जो रैली को लेके अगर बोलेगा तो हम लोग देखा है कि इतना सारा आदमी लोग गैदर हुआ है, तो ये अरुणाचल का मेरा ख्याल से हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ होगा, और इतना बड़ा इशू को इतना सारा जब आदमी लोग देख सकता है, जब कॉमन पीपल जो देख सकता है, तो SIC अभी जैसे बोला सर जो SIC और बाकी ऑफिशियल्स लोग क्यों नहीं देख सक रहे, जब हम लोग को एक नॉर्मल पीपल कॉमन पीपल को पता है गलत हुआ है, तो वो लोग को कैसे पता नहीं हुआ कि गलत हुआ है बोल के। तो इसीलिए यही बोले कि ये मास रैली जो है एक ये एक हम लोग का जो है एक सिंबॉलिक, एक अभी जितना आदमी आया है यूनाइटेड होके वो हम लोग का एक सिंबल, एक अभी हम लोग एक हिस्ट्री क्रिएट किया है, आगे यहाँ से जाके अगर जो भी प्रोसेस होना है वो इसको गवर्नमेंट भी ये चीज़ को जो है देखना है कि कितना आदमी जो है हम लोग कितना अगेन आदमी जो कितना साथ दे रहे हैं ये चीज को लेके। इट्स वेरी नॉट ओनली एज अ फैमिली मेंबर, एक स्टेट का यूथ, एक स्टेट का लाइक माइंडेड सिटीजन होने का होने के कारण हम तो बोलेगा कि मैडम जैसा लड़का हर कम्युनिटी से होना है, हर क्लाइंट से निकलना है, दिस इज द थीम की मतलब वो जो है आज के दिन में ऐसे लड़का बहुत कम होते हैं लाइक माइंडेड, और हम उम्मीद करेगा कि उसको इंस्पायर होके नॉट ओनली द पाडंग आज हुआ है और कल नहीं होना, ऐसा नहीं होना, पाडंग जैसा लड़का और बहुत निकलना चाहिए, यही हम अपील करेंगे। वहाँ से अगर सीवो ऑफिस में आगे उसका बेसिक पावर होता है, हाँ, आज ये होता अरुणाचल में हर कोई जो करप्शन करप्शन चलाता है, अल्टीमेट क्या होता है कि वही कल्प्रिट जो है आपका या चाचा होगा, मामा होगा, या आपका कोई रिलेटिव्स होगा, या आपका कम्युनिटी का होगा, या आपका क्लाइंट बेसिस क्लाइंट का होगा, तो क्या होता है कि आदमी जो कल तक जो साउटिंग कर रहा था लेवल स्टिप बैक और वापस चला जाता है, तो चुपचाप रह जाता है, दिस इज द थिंग की करप्शन जो ग्लोरियस हो रहा है, तो इन करप्शन वी स्पीक अबाउट करप्शन, वी स्टैंड अगेंस्ट द करप्शन, वी शुड मेक क्लियर कि आप जो है ये चाहे वो मेरा चाचा ही क्यों ना हो, मामा ही क्यों ना हो, we must stand, we must give our clear stand, हम लोग जो अपना क्लियर स्टैंड देना है उसका अगेंस्ट में स्टैंड होना, अदरवाइज ये चलते रहेगा, ये यहाँ पे अरुणाचल का यही प्रॉब्लम है, करप्शन का लेक चिल्लाता है, लेकिन वंस दे कम टू नो की एक्यूज इज माय ब्रदर दे स्टेप बैक, दिस इज द रीजन, सो वी हैव टू स्टेप अप, उससे ऊपर चढ़ जाना पड़ेगा, ये क्लाइनिज्म का बॉन्डेज से और ये कम्युनलिज्म का बॉन्डेज से, किड्स इनकी का बॉन्डेज से हम लोग निकल के तब जाके हम बोल सकता है कि हम बोल सकता है कि हम करप्शन का एजेंट है, अगर उसका बॉन्डेज में अभी भी अगर आप है यू कैन नॉट से एनीथिंग। और दूसरा चीज टुडे दिस एस्पिरेंट्स आर शाउटिंग अगेंस्ट द करप्शन, कल वो ऑफिसर बनेगा, कल कोई क्लर्क बनेगा, उसके दिमाग में ये रहना है कि I was the aspirant, once I was the student, once I was the aggrieved person, ये चीज को दिमाग में नहीं रखेगा, वो भी कल कुर्सी में बैठेगा फिर से करप्शन करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, इसको कैरी करना पड़ेगा, ये लोग अभी ये एग्री में बोल के बोलेगा जब ऑफिसर बनेगा वही ट्रेन शुरू करने से तो फायदा नहीं है, दैट मैसेज को दिमाग में नहीं रखेगा तो फायदा नहीं है, तो हम तो यही अपील करेगा, आज आप एग्री है कल ऑफिसर बनने से ये चीज को दिमाग में रखना है, यू आर द वंस द एग्री पर्सन एंड और कल कुर्सी में कहीं में भी बैठेगा तो किसी को एग्री नहीं करना है और बेस्ट सर्विस देने के लिए कोशिश करेंगे। पाडंग का हेल्प जो अभी मेडिकल काम को तो हम अच्छा से नहीं मालूम है, क्योंकि
आई एम नॉट फ्रॉम दैट प्रोफेशन, लेकिन अभी तक वो जो है स्टेबल सिचुएशन में है और पब्लिक लोग का जितना कंट्रीब्यूशन कर तरफ से मेडिकल एक्सपेंसेस भी चल रहा है एज ही बिलोंग फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड से, और हम लोग का फैमिली साइड से भी जो जो कुछ दे सकता है एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड, और आई विश कि उसका हेल्थ जो है और इम्प्रूव हो जाए और हमारा साथ यहाँ आ जाए।